नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट का उपयोग जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए भी प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर चिंता को दूर करने के लिए भी प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। प्रोक्लोरपेराजीन एक सॉल्ट नेम है। प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को स्टेमटिल आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट 5mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर प्रोक्लोरपेराजीन 5mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आँखों में धुंधलापन, नींद अधिक आना, ब्लड प्रेशर का कम होना और शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका प्रोक्लोरपेराजीन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।